Assalamualaikum, I am Sinulay Khan and welcome back to my channel. तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल जो कि है ADS का और ये है सारे ADS के प्रोडक्ट जो मेरे पास बहुत पहले से थे और कुछ मैंने अभी न्यू ही लिए हैं. तो चलिए देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या ADS के प्रोडक्ट हैं. तो सोच रही हूँ आपको थोड़े बहुत प्रोडक्ट दिखा दूँ. तो ये है ADS की आई शेडो पैलेट जो मेरे पास बहुत टाइम से है. अगर इसका लिंक मिलता है और अगर आपको इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर आप चेकआउट कर लेना. बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है सारे और आप कोई भी प्रोडक्ट इजीली खरीद सकते हैं. तो ये है ADS की आई शेडो पैलेट. ADS की आई शेडो पैलेट इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे जो सारे ही बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो कलर्स हैं, जिसमें से आपको ये ब्राउन शेड, पिंक शेड्स का मैं स्वॉच भी आपको दूंगी. तो आप देख सकते हो पिंक कलर कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, ब्राउन कलर, ये सारे कलर्स. एंड देन इसके बाद मैं सोच रही हूँ ये पर्पल कलर का भी स्वॉच आपको दे दूँ. तो ये है सारे पर्पल कलर, डार्क पर्पल, लाइट कलर और ये ब्लू कलर एंड देन ये ग्रीन कलर. बहुत ही खूबसूरत सारे कलर्स हैं और इसमें इन सारे जो भी कलर्स मैं आपको दिखा रही हूँ इन सारे शेडो पैलेट में बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स नहीं. अगर आप डे टाइम में ये सारे जो भी कलर्स मैंने आपको स्वॉच करके दिखाए हैं तो ये सारे कलर्स मैट शेड्स नहीं है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पार्कल है और कोई कोई कलर्स बिल्कुल से मैट हैं, जैसे कि ये वाइट शेड हुआ, ये ग्रीन शेड है. दो तीन कलर्स ही आपको इसमें मैट शेड्स मिलेंगे, अदरवाइज सारे कलर्स ही आपको इसमें ग्लिटर वाले शेड्स मिल जाएंगे. जब हम इसे ऐसे ओपन करते हैं तो यहाँ सारे ब्रशेज हैं और ये लिप शेड्स हैं सारे. तो भी यूज़ नहीं किए, मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, लेकिन आप इन सारे लिपस्टिक को एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं. और ये इसमें ब्राउन कलर भी है जो आप कॉन्टोरिंग के लिए भी इस कलर को यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते कितना प्यारा कॉन्टोरिंग के लिए भी है. और एक स्पॉन्ज मिल जाएगा, ये एप्लीकेटर है एंड देन ब्रश वाला एप्लीकेटर है. इसके बाद मैं इसको बंद कर देती हूँ. फिर आप मैं नीचे से खोलती हूँ तो आपको चार ब्लशेज मिल जाएंगे. ब्लशेज हैं, कोरल शेड्स हैं और तीन आपको कॉम्पैक्ट मिल जाएंगे, जिसमें से एक इसमें कोई भी ग्लिटर नहीं डाला हुआ है, प्लेन कॉम्पैक्ट है. इसमें थोड़ा येलो अंडरटोन का कॉम्पैक्ट है और ये जो येलो टोन का कॉम्पैक्ट है जिसमें आपको थोड़े से शिमर के पार्टिकल्स मिल जाएंगे. तो आप ये देखिए कितना पिगमेंटेड है, बहुत ही खूबसूरत है ये. तो ये पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टाइम पहले मैंने, बहुत सालों पहले मैंने इस पैलेट को ख़रीदा था. तो बहुत अच्छी पैलेट, अगर इसका लिंक मिल जाएगा तो आप ज़रूर इस पैलेट को परचेज कर सकते हैं, अच्छी पैलेट है. ओके, देन यहाँ पे मैंने ADS का ये मस्कारा लिया हुआ है जो कि मेबिलीन की तरह ही उसका ट्यूब दिखता है. ये उस कॉलोसिल ADS मस्कारा है एंड ये तो सबको पता है ADS का मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड ADS का मेरा फेवरेट बनाना पाउडर जो मेरा बहुत ही फेवरेट है. और ये है यहाँ पे ADS का ग्लिटर्स में सारे कलर्स के ग्लिटर हैं, बहुत ही अच्छे पिगमेंटेड ग्लिटर्स हैं. और मेरे पास ADS की बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं और ये है ADS का मस्कारा ADS की और ये है ADS के शिमर ग्लिटर जिसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई, सारे प्रोडक्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, स्वॉचेस भी दिखा दिया. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया है. वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ और आप ये देख रहे हैं इस पैकेट में ये मस्कारा और आईब्रो का सेट आया हुआ है. तो यहाँ पर ADS की ये ब्लैक कलर की आईब्रो है और गाइस जेट ब्लैक आईब्रो पेंसिल है. आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल है और मेरी आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गई थी. मैं हाथ पर स्वॉच करके दिखाती हूँ, स्मूथली है, बहुत अच्छे से लग गई थी मेरी आईब्रोज पर. स्पूली की हेल्प से मैंने इसको स्मच कर दिया है. देन इसके बाद मैं यहाँ ADS की पैन स्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर है मेरा 2. और जैसे आपने ओलिविया की पैन स्टिक देखी है उसी तरह से ADS की पैन स्टिक है, बहुत ही अच्छी है, क्रीमी है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है. तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड भी कर लिया है. देन ADS की इस आई शेडो पैलेट, ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स है. 1 पैलेट का शेड नंबर है और इसमें से ये कॉम्पैक्ट शेड ले रही हूँ मैं और इसकी हेल्प से मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है. देन ब्राउन शेड लूँगी मैं, ये हल्का ग्लिटरी है बट मैट शेड नहीं है. इसको आउट ऑफ वी से अप्लाई करूँगी और क्रीज तक इसको लेकर जाऊँगी और आउट ऑफ वी पर भी मैं इस ब्राउन कलर को अप्लाई करूँगी. देन एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर क्रीज को स्मच कर दूँगी. देन यहाँ पर जो मेरा टॉप का कलर है उसी का ये शेड लेकर मैं आउट ऑफ वी पर और क्रीज पर इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ.
देन यहाँ पर ये पिंक शेड देख रहे हो, लाइट पिंक शेड है, इसको मैं फिंगर की हेल्प से, हल्का मेटालिक शेड है ये, तो मैं फिंगर की हेल्प से इस कलर को मैंने अप्लाई कर दिया है। देन यहाँ पे ये चारकोल ग्रे कलर है, ब्लैक नहीं, ये चारकोल ग्रे कलर है, इसको मैं आउटर वी पर एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने इस कलर को अप्लाई कर दिया है और अच्छे से मैंने अप्लाई किया है। देन मैंने इसको स्मच कर दिया है इस कलर को। देन ब्राउन कलर लिया है, इसको मैं वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ इस कलर को। ADS की इस ग्लिटर पैलेट में से मैं एक सिल्वर शेड लूँगी और बहुत टाइम से ये ग्लिटर पैलेट मेरे पास है, बहुत सारे कलर्स में फिनिश भी हो गए हैं तो मैंने ब्रश की हेल्प। देन ADS की ये आईब्रो पेंसिल है, इसे मैं, इसे आप काजल और आईब्रो पेंसिल की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ADS का ये वाटर प्रूफ आईलाइनर है, आप देख सकते हो भी बहुत ब्लैक जेट ब्लैक है और इसका जो एप्लीकेटर है बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का है, तो हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिसके ये जो एप्लीकेटर्स होते हैं बड़े होते हैं। देन मैं यहाँ पर इसे अपना वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ और डबल विंग लाइनर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और मैं यहाँ पर ADS का कॉलोसिल है ये, उसी को मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो ADS का कॉलोसिल है येलो कलर का और मैंने यहाँ पर ठीक ठाक मस्कारा है, ज़्यादा कर्ल नहीं कर रहा था लैशेस को बट ठीक है ये मस्कारा। देन मैं फेस को क्लीन कर लूँगी जो भी ग्लिटर मेरे फेस पर गिरा था। देन मैं, मेरे पास कोई भी ADS का प्राइमर नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि प्राइमर आता भी है ADS का कोई, अगर आता होगा तो मुझे पता नहीं है, तो मैं उसकी जगह यहाँ पर ये एलोवेरा जेल अप्लाई कर लूँगी फेस पर। देन ये ADS की ही पैन स्टिक है, मैं इसे कंसीलर और फाउंडेशन की तरह यूज़ करने वाली हूँ, आप देख सकते हो कितनी फुल कवरेज ये कंसीलर ये पैन स्टिक है, तो मैंने इसको फुल फेस पर अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो नेक पर भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे स्मच कर दिया है। एकदम बटरी सॉफ्ट है, क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल भी ब्लेंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ADS का, आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर इसे परचेज कर सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा इसने फुल कवरेज दिया है और मुझे जहाँ जहाँ थोड़ी सी और नीड लग रही थी तो मैंने वहाँ पर इसे और अप्लाई कर लिया था, तो मैं इसे अंडर आई के नीचे और जहाँ कॉन्टोर करते वहाँ हर जगह मैंने इसे फिर दोबारा से अप्लाई कर लिया था और फिर मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको स्मच कर दिया है। मुझे बहुत ही अच्छी ये ADS की पैन स्टिक लगी है। देन यहाँ पर ये आई शेडो पैलेट में ये कलर्स हैं कॉम्पैक्ट के, तो मैं सोच रही हूँ इसे अप्लाई करूँ या ADS का बनाना पाउडर। देन मैंने सोचा कि ADS का बनाना पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ, समर चल रहा है तो ये बनाना पाउडर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं यहाँ पर फुल फेस पर बनाना पाउडर से फेस को बेक कर रही हूँ। देन 2 मिनट के बाद इन सारी चीज़ों को मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है बनाना पाउडर को। देन ब्राउन्जिंग के लिए भी जो मैंने कलर यहाँ पर क्रीज पर लिया था उसी कलर से मैं ब्राउन्जिंग और कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, ये देख सकते हो फ्लफी एंगल ब्रश है उसी की हेल्प से मैं कर रही हूँ और फुल फेस को मैंने कॉन्टोर करना है, चेन एरिया को भी कर दिया है, फॉरहेड को भी कर दिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट शेड ले रही हूँ इसी पैलेट पर और शार्प कॉन्टोरिंग कर दी है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो गाइज़ ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है बहुत कुछ बताने के लिए। देन ब्लश के लिए भी मैं ये कोरल शेड यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्किप भी कर दिया है जल्दी जल्दी से। देन नोज़ को भी कॉन्टोर कर रही हूँ मैं। देन मैंने यहाँ पे गोल्डन शेड अप्लाई कर लिया था बट इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ADS का ये डस्ट है, रोल ऑन डस्ट है, तो ये इस रोल ऑन से इतने अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मैंने इसका रोल ऑन निकाल दिया और ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर पर इसको अप्लाई कर लिया। सीरियसली गाइस इतना अच्छा कैमरा पिक नहीं कर रहा था बट बहुत ही अच्छा है। हाइलाइटर नहीं था मेरे पास तो मैंने इन शाइन का ये हाइलाइटर लगा लिया था। मैं रोल ऑन से अप्लाई कर रही थी तो बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर्स मेरे फेस पर आ गए थे, तो फिर मैंने इन शाइन का ये हाइलाइटर अप्लाई कर लिया था मेकअप को कम्प्लीट करने के लिए। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर आउटलाइन अप्लाई कर ली थी और ADS का ये ब्यूटीफुल सा न्यू शेड है जो आप देख रहे हो एंड कलर मैं मेंशन कर दूँगी, अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा है कौन सा कलर है, तो फिर मैंने अप्लाई कर लिया है। देन ADS का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है मैंने
एंड फ्रेंड्स दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई होप यू आपको मेरा ADS वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. टिल देन बाय बाय.